व्यू में आओ, पहले टॉप व्यू में। ये तो आप क्या कर सकते हो, चार व्यू इकट्ठे हैं, फ्रेश कर लो सीन को, चार व्यू हैं, टॉप व्यू में टॉप व्यू वाला कैसे इंपोर्ट करेंगे इमेज को, व्यू इमेज प्लेन इंपोर्ट, ठीक है। टॉप व्यू में कार का टॉप व्यू आ गया, अब फ्रंट व्यू में फ्रंट व्यू लेना, ठीक है, और साइड व्यू में साइड व्यू, ये थी ना फ्रंट टॉप वाल। देखो इन सब को ना मैनिपुलेट करना होगा, कैसे, आप W कमांड से नीचे नहीं कर सकते पुराने वर्जन में, देखो ये नया वर्जन है 2016, अगर कोई 2011 में काम कर रहा है तो जो मूव टूल काम कर रहा है ना नहीं करेगा। आपको क्या करना होगा, यहां पे इमेज एक्स वाई जेड है, आपको इससे नीचे ऊपर कराना पड़ेगा पुराने वर्जन में। नए वर्जन में क्या है, डायरेक्ट आगे पीछे कर सकते हो, समझ आ रहा है। अब देखो फ्रंट व्यू में फ्रंट दिख रहा है, साइड व्यू में साइड दिख रहा है, टॉप व्यू में टॉप दिख रहा है, आप इसकी कार बना सकते हो। पर क्या हो रहा है, बार बार ना अपने आप सेलेक्ट हो रहे हैं, हमें इसे ट्रेस करना है तो पहले इन्हें लॉक करना जरूरी है, नहीं तो बार बार सेलेक्ट होते रहेंगे। इलस्ट्रेटर में हम लॉक करते थे कंट्रोल टू प्रेस करके, कंट्रोल टू, हमें यहाँ पे लॉक करने के लिए क्या करना है, जैसे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में लेयर्स आती थी, यहाँ पे भी लेयर्स आ रही है। लेयर्स तीन तरह की होती, नोट कर लो, टाइप्स ऑफ लेयर, नंबर वन डिस्प्ले, नंबर वन डिस्प्ले, डिस्प्ले फॉर मॉडलिंग पर्पसेस, मॉडलिंग में काम आएगी डिस्प्ले, देन आएगी रेंडरिंग, रेंडरिंग फॉर लाइटिंग, अगर आपको लाइटिंग करनी होगी आगे चल के तो रेंडर लेयर काम आएगी, देन एनिमेशन लेयर, ये एनिमेशन में काम आएगी फॉर एनिमेशन। तो अभी फिलहाल हम यूज करेंगे डिस्प्ले, रेंडर से और एनिमेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करो, इन तीनों को सेलेक्ट करके, यहां सबसे कॉर्नर पे एक आइकन आ रहा है जिसे बोलते हैं ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन न्यू लेयर, क्लिक कर दो। तो क्या होगा, ये जो तीनों है ना इस लेयर के अंदर आ गए, आप यहां से कभी भी हाइड कर सकते हो, और यहां से इस खाली कॉलम पे क्लिक करोगे, टी फॉर टेम्पलेट मतलब ट्रांसपेरेंट, आर फॉर फ्रिज, अब फ्रिज हो गया। दोबारा बता रहा हूं क्या किया मैंने, इन तीनों को सेलेक्ट करके यहां से एड्स न्यू ऑब्जेक्ट कर दिया, देन जस्ट यहां पे क्लिक करके आर कर दिया। यही चीज ना लेयर पे डबल क्लिक से भी कर सकते हो, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, टेम्पलेट मतलब ट्रांसपेरेंट, रेफरेंस मतलब फ्रिज, यहां से भी कर सकते हो, और ये वाला विजिबल आई जोन ऑफ का यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी फ्रिज हो गया, अब सेलेक्ट नहीं होगा, अब काम करो आप इजीली, ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हो। मुझे बनाना है कर्व्स के थ्रू, कर्व्स के थ्रू कार, जिसे बोलते हैं नब्स मॉडलिंग, कर्व्स लो यहां से,
बिल्कुल सेंटर ऑफ बोनेट ड्रॉ करो, सीधा एकदम स्ट्रेट शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब ये स्ट्रेट तो आ गया, पर क्या लेफ्ट व्यू में ऐसा आएगा? नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, राइट व्यू में कंट्रोल वर्टेक्स मोड में जाके मैन्युअली इन्हें नीचे करना पड़ेगा, मतलब ट्रेसिंग। हाँ, तीनों व्यू में मैच कराना है। देखो लेफ्ट में मैच कराया तो फ्रंट में अपने आप हो ही जाएगा। तो फ्रंट व्यू में देखते हैं, फ्रंट व्यू में तो एक सीधी लाइन दिख रही है। सेंटर में रखना, पर एक चीज देखो, टायर पे ना एक बॉक्स रख के देखना, इससे क्या होगा कार का लेवल पता चल जाएगा। इक्वल है। अब हमने ये बना लिया, अब हमें क्या करना है, ये वाला बनाना है एरिया। अब यही चीज साइड व्यू में मैच करानी है। लाइन से लाइन मैच करानी है। ठीक है, ये भी मैच हो गया, पर एक कमी आ रही है, ये वाला ना ब्लू प्रिंट थोड़ा नीचे करना चाहिए। मैंने कहा था कि नफ्स लाने के लिए चारों कॉर्नर ना बंद होने चाहिए, तो बंद करने के लिए क्या करना है, सी की स्नैपिंग। बायरेल में बताया था ना, सी की स्नैपिंग से मैंने यहां से शुरू कर दिया ड्रैग करके, और सी की स्नैपिंग से यहां पे ड्रैग करके बंद कर दिया। सी प्रेस करके यहां पे ड्रैग कर देना। फिर एक यहां पे सी की स्नैपिंग ड्रैग, सी की स्नैपिंग ड्रैग। देखो हमारे पास चार कॉर्नर्स आ गए, एक दो तीन चार। तो आप क्या कर सकते हो, चार कॉर्नर्स को इकट्ठे सेलेक्ट करके, चारों कॉर्नर्स को इकट्ठे सेलेक्ट करके चाहे बायरेल दो चाहे बाउंड्री दे दो। बाउंड्री से क्या होगा, एक बारी में सरफेस आ जाएगा। ये तो बायरेल भी यूज कर सकते हो। बायरेल से क्या होगा, बायरेल टू लिया, स्पिगलिंग स्पिगलिक एंटर, स्पिगलिक स्पिगलिक, दोनों से सेम सरफेस आ रहा है। दोनों से सेम सरफेस आ रहा है, चाहे इससे लो बायरेल से, चाहे आप लो बाउंड्री से। बाउंड्री ज्यादा इजी है,
एक बारी में आ जाएगा। तो बाउंड्री यूज करना है कार के केसेस में। अब हमें बनाना है ये वाला हिस्सा साइड का, साइड का हिस्सा बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो, आप यहां तो फ्रंट व्यू को ट्रेस करना है, साइड व्यू को, एक व्यू से चलना, साइड व्यू से चल लेते हैं। ठीक है, एक एच, ये दो एच, चार होने चाहिए। अब एक यहां पे तीसरा, एक यहां पे चौथा, सी की स्नैपिंग से बंद होगा। एक यहां पे सी की स्नैपिंग, अब इसको 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 चारों को सेलेक्ट किया, डाल दिया बाउंड्री और बढ़ गई आगे की कार। इजी है, मुश्किल है? इजी है। आप अगर वर्टेक्स को बाद में भी मॉडिफाई करना चाहो बाद में भी कर सकते हो, उसके अंदर का मैश भी अपने आप, मैश मीन्स ये जो ये जनरेट होके आया ग्रे कलर, ये भी अपने आप मॉडिफाई होगा। आप इस सरफेस को हाइड करना चाहो तो इन दोनों सरफेस को सिलेक्ट करना हो, वही न्यू लेयर, लेयर में आप हाइड कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज ट्रांसपेरेंट करनी है तो शेडिंग में करना एक्सरे, एक्सरे से कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट हो जाती है। शेडिंग में एक्सरे फॉर ट्रांसपेरेंट। अब आगे का हिस्सा हमें बनाना है, आगे का हिस्सा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये थोड़ा सा मैं बनाते हैं ये। ठीक है, ये बनाया, टॉप व्यू से भी देख लेना, टॉप व्यू से यहां बनना चाहिए। Thank you.
चार कर्व होने चाहिए, एक ये रहा, एक ये रहा, और बनाने अब सी की स्नैपिंग से, तीन हो गए। अब चौथा, अब इन चारों को सेलेक्ट करके बाउंड्री, समझ आया क्या करो आज यहां तक बनाओ, क्योंकि ये जो ये वाला एरिया है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमें एक दो तीन पार्ट में बनाना होगा, तो इसलिए मैं ये पार्ट आज नहीं बनवा रहा, क्योंकि अगर ये बनवाया तो ये भी आपके माइंड से निकल जाएगा। हाँ, छत भी बना लेते हैं, छत भी बन जाएगी इससे। इसी को हाँ कर सकते हो, उसी को कॉपी करके मॉडिफाई करो। जब ये हिस्सा भी बनाओ, ये दो बाउंड्रीज बन गई, इन दोनों को थोड़ा कर्वी कर लेना। अब ये वाला पार्ट बनाओगे लेफ्ट व्यू वाला सी की स्नैपिंग से, फिर अगेन सी की स्नैपिंग से वो वाला पार्ट, ये आर से सीधा होता है। अब इन पे बाउंड्री डाल दो, जितनी चीजें आप बाउंड्री से बना सको आज वो बनाना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बोनेट ऊपर का मडगार्ड सिखाऊंगा, ये वाला इस पे डाल दो बाउंड्री।
समझ आया यहाँ तक? तो जितनी चीजें भी बना सकते हैं बाउंड्री से, कार की सारी चीजें बना के आप, हाफ देखो क्या होगा, जब हाफ बना लोगे ना, इसको करना कंट्रोल जी, कर दिया कंट्रोल जी के बाद आप यहां से कर देना डुप्लीकेट। ये नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, तो अभी बता रहा हूं फिलहाल। डुप्लीकेट में एक्स के अंदर माइनस डाल देना, क्यों डाला ये नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, तो ये हाफ ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। पर हाफ अभी मैं नहीं सिखा रहा हूं, एक रफली ओवरव्यू दे दिया, बनाओ यहां तक।